नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी, आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। लोकसभा चुनाव की नजदीकी के चलते आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुक्षी एवं निसरपुर के कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक हीरा पैलेस पर आयोजित की गई, जिसमें धार महू लोकसभा क्षेत्र प्रत्याशी दिनेश गिरवाल, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री एवं स्थानीय विधायक सुरेंद्र सिंह, हनी बघेल लोकसभा क्षेत्र प्रभारी मधुसूदन जोशी, लोकसभा युवक कांग्रेस अध्यक्ष राधेश्याम मुवेल आदि ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस को पुनः शिखर पर पहुंचाने का अनुरोध किया है। बैठक के शुभारंभ के कुक्षी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राधेश्याम जिराती ने स्वागत उद्बोधन दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रत्याशी दिनेश गिरवाल ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने देश की जनता से किए वादे पूरे नहीं किए। मोदी सरकार गरीब एवं आदिवासी विरोधी सरकार है। भाजपा की सरकार झूठ बोलकर सत्ता में आई है। कैबिनेट मंत्री एवं स्थानीय विधायक श्री सुरेंद्र सिंह हनी बघेल ने अपने उद्बोधन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हर पल तैयार रहने का अनुरोध करते हुए कहा कि आज 5 साल के बाद हम सभी को अवसर मिला है। जो गलती हमने पहले की है वो हम इस बार नहीं करें। विधानसभा चुनाव में भी हमने मेहनत करके जीत हासिल की है। पिछले लोकसभा चुनाव में झूठे वादों से प्रभावित होकर मोदी सरकार आई थी। किसान कर्ज माफी पर बोलते हुए श्री बघेल ने कहा कि पहले चरण में कर्ज माफ किया है, आचार संहिता के बाद बाकी किसानों का भी कर्ज माफ किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री बघेल कहा कि कुक्षी विधानसभा के कोने कोने तक मां नर्मदा का जल पहुंचना मेरी जिम्मेदारी है। अब प्रदेश के साथ केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार बनती है तो हमारी सभी योजना सुचारू हो जाएंगी। कार्यकर्ता की बैठक में शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त श्रीमती जयमाला निगम ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। मंत्री श्री बघेल ने उनका पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहन सेठ गुप्ता, महेंद्र सिंह पिपरीमान, शैलेंद्र सिंह चौहान, राजेश पवार, महिला कांग्रेस की श्रीमती पुष्पा, डॉक्टर निर्मल पाटीदार, श्रीमती पवित्रा चौहान आदि मौजूद रहे। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेके हम लोग सब तैयार हैं। राहुल जी के नेतृत्व में देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हमारे युवा साथी उम्मीदवार दिनेश गिरवाल जी प्रचंड बहुमत से लोकसभा में चुनाव जीत के जाएंगे। ये चुनाव युवाओं के रोजगार का है, किसानों के सम्मान का है और महिलाओं के अधिकार का है। हम सभी लोग कार्यकर्ता जी जान लगा के मेहनत करेंगे और कमलनाथ जी के नेतृत्व में ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा सीट हमारे यहाँ से मध्य प्रदेश में जीतेंगे। हम पूरी तरीके से सभी लोग दिन रात सभी कार्यकर्ता मेहनत करके कुक्षी विधानसभा क्षेत्र से जिस तरह से लोकसभा विधानसभा में हमारी गेट रही है उसी तरह से गेट हम लोग लोकसभा में करेंगे। राजू खेड़ी के बागी तेवर से कांग्रेस को कोई फर्क पड़ता है? देखिए, राजू खेड़ी जी के बागी तेवर नहीं है, वो पूर्व सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी से रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और कांग्रेस पार्टी के काम करेंगे। लोकसभा चुनाव के सिलसिले में कार्यकर्ताओं से मिलना था, उनकी बैठक का आयोजित कर रणनीति बना रहा था। और आगे आपका क्या रहेगा जीतने के बाद में? सबसे पहला तो नर्मदा से सिंचाई का पानी खेत खेत तक पहुंच जाए। धार जिले में जो रेल परियोजना ठप पड़ी है उसके कार्य में गति लाना प्रमुखता से रहेगा। गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी जो भागे हुए थे और आपके खिलाफ पुतले दहन किया था, अब वही निर्दलीय फार्म भरने जा रहे हैं, क्या कारण है? नहीं, ऐसा कुछ राजू खेड़ी जी द्वारा ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कांग्रेस यहाँ पर एक है, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी के मन में कुछ हुआ हो तो अलग बात है, मेरी जानकारी में नहीं है। जेस लड़ रही है, जेस से क्या आपका प्रभाव पड़ेगा क्या? हम कांग्रेस का मैनिफेस्टो लेकर जनता के बीच में जाएंगे, उसके सामने जो भी लड़ेगा, लेकिन हम कांग्रेस का मैनिफेस्टो लेकर जनता के बीच में जाएंगे। खबर समय जगत के लिए कुक्षी धार से सज्जाद खान की रिपोर्ट। इस प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।